সাথে তেনো রব মনিয়া তো মানিয়া না মানে দিল দারা আসাতে তেনো রব মনিয়া যশ ইসকে আলাবা বহুত সারে গানে হিন্দি আজ যদি কৃষ্ণ কি বাত আতি হে মানে বিনস কল্পনি সে গানা কিয়া থা মাই অতি হিট সং হে ইসকা নাম হে উরুশি चुप रहे बेबी तू तू इंट्रोवर्ट बेबी थोड़ा मिल जुल नाले कली होके मिल बी एक्सट्रोवर्ट बेबी गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू तू इंट्रोवर्ट बेबी थोड़ा मिल जुल नाले कली होके मिल बी एक्सट्रोवर्ट बेबी नमस्कार सलाम दिस इज यश वडाली एंड मेरा नया सॉन्ग आ रहा है इंट्रोवर्ट सो उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करेंगे आप सर क्या है प्रोजेक्ट आपका बताना चाहेंगे हाँ जी ये जो प्रोजेक्ट है मेरा एक जून को रिलीज हो रहा है जी म्यूजिक कंपनी में जिसके राइटर है रमन कुमार जंगवाल गाया मैंने है म्यूजिक भी मैंने किया है जो डायरेक्ट किया है उसका नाम है साइन वी रॉय डायरेक्टर साइन वी रॉय सो ये जो सॉन्ग है थोड़ा इसका म्यूजिकली थोड़ा अर्बन है अर्बन स्टाइल थोड़ा है और जो वीडियो है वो थोड़ा स्टोरिकल है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा अगर मैं ऐसे स्टोरी बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा सर इसमें जो है किस तरह का मूड है गाने हैप्पी मूड है एक लड़की है जो एक आम लड़की जो बहुत बड़े सपने देखती है वो सपने पूरे उसके होते हैं इस गाने में सर आप किस तरह के गाने ज्यादा पसंद करते हैं और गाते हैं जी मैं तो हर तरह के गाने पसंद करता हूँ हर तरीके के गाने सुनता हूँ
मैं ज़्यादा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता हूँ। क्योंकि जो मेरा घराना, जो मैं जैसे बड़ा हुआ, पला बड़ा हूँ, सो मैं उसी गायकी से ही निकला हूँ। ऑल टाइम मैं ये बड़े गुलाम अली खान साहब हो गए, वडाली साहब हो गए, सो वडाली साहब की संगत की है जो मैंने, उसका असर है कि मुझे ज़्यादा सूफी मैं आज गा सकता हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड। बॉलीवुड में हर कोई अपना नाम चेंज करता है, जैसे दिलीप कुमार हो, राजेश खन्ना हो, जितेंद्र हो, अभी मैंने पहले बहुत काम किया, बट जो ये लास्ट दिसंबर में मेरा सॉन्ग आया किसको पता टी सीरीज से, सो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उससे मेरी बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हुई। आई होप कि वो गाना भी, शायद मूवी में बात चल रही है, वो सेम गाना मूवी में भी आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी, मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसा सिंपल रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी पर्सनैलिटी से आप पता चलता कि आप क्या हो, आपके काम से पता चलता कि आप क्या हो। ऐसा कौन सा गाना जो आपके दिल के काफी करीब है, जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं? तू माने या ना माने दिलदारा, तू माने या ना माने दिलदारा, ऐसा ते तेनू रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, ऐसा ते तेनू रब मनिया, ओए तू माने या ना माने दिलदारा, ऐसा ते तेनू सब मने हो। जो एल्बम आपकी आ रही है, कहाँ पे शूट की जाएगी? ये थोड़ा शूट इंडिया में हुआ, थोड़ा आउट ऑफ इंडिया हुआ है इसका, थोड़ा बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें कैफे है, जिसमें अवार्ड फंक्शन का है, जिसमें फ्लाइट का है, प्राइवेट जेट का, और कुछ गाड़ी के शॉट्स हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं। टाइटल क्या बताया आपने? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट टाइटल के बारे में क्या कहना चाहिए? टाइटल गाने के अंदर से निकला है, जो लिरिक्स हैं उसके, जो उसके लिरिक्स हैं, टू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा जो लड़की आजकल जो बहुत ज़्यादा छुप के रहती हैं, वो लड़का ये बोल रहा है कि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाओ। शूट में इंजॉय तो वैसे कभी होता नहीं है, मैं तो शो पे इंजॉय करता हूँ, बट इट वॉज फन, टोटली फन, बहुत बढ़िया। रिचा गुलाटी दिल्ली की लड़की है, शी इज अ मॉडल, वो है हमारे सॉन्ग में। अच्छी थी, सिर्फ गाने तक। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस गाने से, जी म्यूजिक भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आई होप ये पहले दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, जैसे कि हम अभी से शुरू हो गए इंटरव्यू करना, ये सब करना, आप सबकी सपोर्ट से अच्छा रिस्पांस आएगा। सबसे पहला आपके गुरु कौन थे, और पहला कौन सा गाना था जिससे आपकी जो मेरा पहले गुरु और लास्ट वही हैं, श्री पूरन चंद वडाली जी, उनसे मैंने सीखा है, उनके घर जाके वहाँ मैं रहता था, उनके साथ उनकी संगत की है, उनसे सीखा, उनका आशीर्वाद है। तो जो पहला गाना था उनसे मैंने जो सीखा, तू माने या ना माने दिलदारा। बट ठीक है, मैंने जितना स्ट्रगल सोचा था उतना तो नहीं किया, क्योंकि मुझे जो मैं मांगता गया वो मिलता गया। वडाली जी के वहाँ से निकला, मिक्का जी के वहाँ आया, मिक्का जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे लाइफ में, उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया, साथ में रखा, शो पे लेके गए, इसके अलावा उठना बैठना, बात कैसे करनी। सो जो बॉलीवुड की बात करते हैं, थोड़ा पंजाब से बहुत डिफरेंट है, जब पंजाब से हम आते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है। सो वो बहुत सारी सपोर्ट मुझे मिलती गई उनके साथ, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा।